दोस्तों हम में से जो बहुत सारे लोग हैं वो क्रिएटर्स है, कोई फेसबुक पर वीडियोस अपलोड कर रहा है या फिर कोई यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा है, और उस वीडियोस को अपलोड करने के दौर में होता यह है कि कभी कभी हम अपने थंबनेल्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, गूगल से कुछ फोटोज डाउनलोड करते हैं, और किसी किसी का जो पूरा चैनल होता है, जो पूरा वीडियो होता है वो बेस्ड रहता है फोटो के ऊपर। जैसे न्यूज वगैरह का चैनल है तो आप क्या करते हैं, फोटोज उसमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि आप उस फैक्ट को क्लियर कर सको। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर ये फैक्ट्स वगैरह बताने वाले कोई चैनल है तो उसमें भी फोटोज वगैरह का सहारा लिया जाता है। तो होता ये है कि दोस्तों देखो, जब हम लोग फोटो का सहारा लेते हैं स्पेशली गूगल से डाउनलोड करके, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग पर तो हमारे में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब वीडियो वायरल होने के कगार पर होता है, वीडियो वायरल हो रहा होता है, तब क्या हो जाता है, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और कभी कभी तो बहुत स्टार्टिंग में जैसे ही आपने वीडियो अपलोड किया आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और देखो जब क्लेम आ जाता है ना तो मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। किसी का भी होगा जिसके ऊपर क्लेम आ चुका है वो जानता है कि कॉपीराइट क्लेम हमें थोड़ा सा होने से भी डिमोटिवेट कर देता है और दुखी कर देता है दोस्तों। तो क्या करना है आपको, देखो अगर आप वीडियोस का कोई क्लिप आपने यूज किया है तो उसको आप कट कर सकते हो अपने वीडियो में जा करके। गूगल क्रोम से उसका वीडियो में बना रखा है मैंने अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा और जानना चाहते हैं उस बारे में ना तो यार आई बटन दबा दो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और देखो दूसरी बात, जो गाना होता है या आपने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है तो अगर उसमें क्लेम आता है तो उसे भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका वीडियो टोटली फोटोज के ऊपर बेस्ड है और उस पर क्लेम आ जाए ना, तो फिर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि क्लेम आने के बाद देखो क्या होता है कि आपको उससे अर्निंग जो हो रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या होता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है, रिव्यू में जाता है, तो YouTube अच्छी तरीके से चेक करता है कि आपके ऊपर क्लेम आया है या नहीं, और अगर क्लेम रहता है ना तो आपके चैनल को रिव्यू में ही रख दिया जाता है। तो यार इस सबसे बचने का तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे बचेंगे इन फोटोज पर आने वाले कॉपीराइट क्लेम से। तो दोस्तों देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा स्क्रीन रिकॉर्ड ताकि आपको मैं आसानी से बता सकूं कि कैसे आप जो है ना कॉपीराइट फ्री इमेजेस अपने लिए ले सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। जिसमें आपको देखो जनरली क्या होता है कि आप गूगल में चले जाते हैं और वहां से डाउनलोड कर लेते हैं इमेज, आपको पता नहीं होता है कि कौन सा क्रिएटिव कॉमन वाला है और किस पर कॉपीराइट आने वाला है, आप सीधे सीधे डाउनलोड करते हैं और उसे यूज करते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखो आपका जो मेहनत से बनाया वाला वीडियो है वो बेकार हो सकता है। तो यार दोस्तों देखो आपको जब भी फोटो से, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ इसे आप कीजिए, आप पर कभी कॉपीराइट नहीं आने वाला है। आपको करना क्या है, देखिए आपको गूगल क्रोम या फिर गूगल ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको खोलिए। खोलने के बाद देखिए मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ चीज को ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा अनस्प्लैश। तो दोस्तों आप जब अनस्प्लैश लिख करके टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खोल करके आ जाएगा अनस्प्लैश। तो इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं अनस्प्लैश का अपना लाइसेंस है, बस ये आपको एक काम के लिए फोटोज नहीं देता है, कम्पीटिंग वेबसाइट्स मतलब उसको अनस्प्लैश को कम्पीट करने वाले जो वेबसाइट्स है उनके लिए ये फोटो नहीं देता है, बाकी के कामों के लिए जैसे आप यूट्यूब में यूज करना चाहते हैं, अपने थंबनेल में यूज करना चाहते हैं, फेसबुक में कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं जिसमें आप फोटोज का हेल्प लेना चाहते हैं तो वहां पे दे सकता है। दोस्तों देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे, आप उन फोटोज को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ हटके फोटो चाहिए तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का चाहिए। आप जैसे नेचर लिख करके अगर टाइप करेंगे तो वो नेचर वाला वीडियो फोटो जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ट्री आपको चाहिए तो वो ट्री वाला आ जाएगा। देखिए किस तरीके का फोटो आपको चाहिए जिससे आप वीडियोज बना सकते हैं या फिर अपने लिए थंबनेल में यूज कर सकते हैं, तो बहुत बहुत सारे फोटोज आपको यहां पर मिल जाएंगे अनस्प्लैश। दोस्तों आप अनस्प्लैश टाइप करके कर सकते हैं डाउनलोड। यहां पर आपको कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला है।
जो दूसरा वेबसाइट है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है बर्ड्स, BURST, बर्ड्स। ये Shopify का एक एप्लीकेशन वेबसाइट है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए फोटोज, बर्ड्स आप फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं और उन फोटोज को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है बर्ड Shopify, यहाँ पर आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अलग चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शंस, कॉफी, फिटनेस, वुमेन, फैशन, मैन, योगा, फ्लावर, किस टाइप के आपको फोटोज चाहिए तो वो आप यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। ये था बर्ड्स बाय Shopify। जो नेक्स्ट है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है पेक्सेल्स, आपको लिखना है PEXELS, पेक्सेल्स। अगर आप इसको इसकी बात करें तो देखिए इसका भी अपना लाइसेंस है, ये आपको कमर्शियल और पर्सनल यूज के लिए फोटोज दे देता है। ये कोई भी इसके लिए आपको क्रेडिट भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। इसमें भी वही करना है आपको, देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत फोटोज यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जिस टाइप के चाहिए आपको उसी टाइप के मिलेंगे। यहाँ पर भी वही स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप का फोटो चाहिए, आपको उसी टाइप का मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है Pixabay। जी हाँ दोस्तों, Pixabay, PIXABAY, Pixabay। आप Pixabay सर्च करके टाइप करें तो आपको यहाँ पर देखिए Pixabay को आपको खोल लेना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे, इन फोटोज को आप यूज कीजिए। Pixabay की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आपको देता है, परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको क्रेडिट भी देने की जरूरत नहीं है, आप सारे फोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आपको कोई सर्च करने की ज़रूरत है किस टाइप का इमेज, तो वो भी आप सर्च करके निकाल सकते हैं। अभी जो पांचवा वेबसाइट है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो वेबसाइट है फ्री इमेजेस। यहाँ दोस्तों फ्री इमेजेस, आपको लिखना है फ्री इमेजेस और उसे सर्च करना है। जैसे ही आप फ्री इमेजेस सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने फ्री इमेजेस का वेबसाइट जो है वो खुल करके आ जाएगा। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको लाखों फोटोज मिल जाएंगे जो क्या है, फ्री टू यूज़ है, जिस पर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला, यूज़ करने में कोई क्लेम नहीं आने वाला है। इनका अपना लाइसेंस है, इनके पास बहुत सारे फोटोज़ हैं, जितना आप चाहे जो भी चाहे जैसा भी चाहे वैसा फ़ोटो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वेबसाइट वो है KaboomPics। जी हाँ दोस्तों, KaboomPics, आपको टाइप करना है KaboomOM, KaboomPics, KaboomPics। आप KaboomPics को सर्च करें तो यहाँ पर आपके सामने जब ये खुल करके आ जाएगा इसका वेबसाइट, तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। आपको किस टाइप के इमेजेस चाहिए वो आप ले सकते हैं इसमें। देखिए इनका अपना ओन लाइसेंस है, ये क्रिएटिव कॉमन के तहत आपको देते हैं ये फोटो, लेकिन आप इसे रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप फिर इसे अपलोड करके और अपने वेबसाइट पर और किसी और के लिए आप इसे खोले ये नहीं कर सकते आप, लेकिन आप इसे क्रिएटिव कॉमन के तहत में अपने वीडियोज में, अपने फेसबुक के वीडियोस में, यूट्यूब के वीडियोस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो आखिरी आज के लिए आखिरी मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ वो वेबसाइट है stockSNAP.io। आपको सर्च करना है stockSNAP.io और वहां पर जाकर के आप अपने लिए बहुत सारे फोटोज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फोटोज आपको यहां पर मिल जाएगा और इसमें भी वही तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, यहां से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं ये पूरी तरह फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स के तौर पर आपको ये आपको फोटोज सारे मिल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वे को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, अगर आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर यूजफुल था, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए बेल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।